जय हिंद। क्या आपको पता है फायर कैसे लगती है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, फायर की स्टेजेस क्या हैं, फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है, और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, पैरालिसिस किसे कहते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम विजय दहिया है और मैं फायर ऑफिसर हूँ, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आग कैसे लगती है, आग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलिए देखते हैं आग क्या है। आग एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है जो कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिलने पर होता है। एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि वो हीट से हीट रिलीज करता है। फायर में ऑन फायर आग लगने के बाद वहाँ पे गर्मी, आपकी लाइट और धुआं निकलता है, और जो आपका बाय प्रोडक्ट बचता है वो राख में बचता है। फायर के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। जो फायर है उसको स्टार्ट होने के लिए मिनिमम 16% ऑक्सीजन चाहिए। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन का जो लेवल एटमोसफेयर में वो 21% होता है, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया। तो लेकिन क्या 16% पे आग लग जाएगी? 16% मिनिमम रिक्वायरमेंट है आग लगने के लिए। और आग को हम बुझाने जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का, अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो मिनिमम हमें 12% रिमूव करना पड़ेगा उसको, तभी आग वो बुझ पाएगी। और एक और पॉइंट है, जो फायर होती है उसके अंदर ना तीन चीजें निकलती हैं, हीट, स्मोक एंड लाइट। इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट बचता है फायर में वो बचती है हमारी राख, अगर वो कोई ऐसा मटेरियल जो राख जल छोड़ता है तो। फिर उसके अलावा जो फायर है वो अपना जो साइज है ना वो मिनट्स में डबल कर सकती है, जो उसकी ग्रोथ स्टेज में आती है तो उसको जो रैपिडली ग्रो वो फायर कर सकती है। ये पॉइंट्स नोट करने लायक हैं, इसको नोट कीजिए। तो चलिए वीडियो के द्वारा देखते हैं इसमें फायर कैसे स्टार्ट होती है। फ्यूल के बिना आग नहीं लग सकती। फ्यूल ऑक्सीजन वहां पर ओमनी प्रेजेंट रहती है, फिर हम इनिशियल सोर्स देते हैं जहां से हीट जो तीसरा एलिमेंट है, फिर हमें आगे चेन रिएक्शन जरूरत पड़ती है। जब एक बार आग स्टार्ट होती है तो उसके बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी फ्यूल जब उसके टच में आएगा तो फ्लेमेबल वेपर छोड़ेगा और आग चलती रहेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी, उसको सस्टेन वो कर पाएगी, विदाउट चेन रिएक्शन से सस्टेन नहीं कर पाएगी। फायर की स्टेज होती है चार। एक होती है इनिशियल इग्निशन स्टेज, जब वो स्टार्टिंग में इग्निशन होती है तो उसको इनिशियल फेज आप बोल सकते हैं फायर का। दूसरा होता है ग्रोथ। ग्रोथ में वो आग बढ़ती रहती है, पूरा अपने ग्रोथ स्टेज पे होती है। तीसरा होता है फुल डेवलपमेंट, वो पूरी तरह बढ़ जाती है। चौथे होते हैं उसके डीके, जब वो आग बुझ जाती है धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी वो कम होती चली। ट्रायंगल ऑफ फायर। फायर ट्रायंगल क्या होता है? फायर ट्रायंगल होता है जो इसके तीन पार्ट्स हैं, इसके जो फायर के तीन एलिमेंट्स हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। जब वो तीनों चीजें मिलते हैं तो ही आग लगती है, इसलिए इसको फायर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। फिजिकली वहां पे कोई ऐसा आपको त्रिभुज दिखाई देने वाला नहीं है, ये सिर्फ फायर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए फायर ट्रायंगल इसको नाम दिया गया है। फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है? लास्ट टाइम आपने देखा जो फायर ट्रायंगल था, ट्रायंगल ऑफ फायर में आपने तीन पार्ट्स देखे, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन तीनों के अलावा वहां पे एक चीज और घट रही होती है, वो कंटिन्यू उसको आग को चलाने के लिए वो बहुत आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। जब वो फ्यूल उतना हीट एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो फ्लेमेबल वेपर छोड़ने लग जाता है, तो वहां पे केमिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उस चेन रिएक्शन को अग्नि त्रिभुज में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है फायर टेट्राहेड्रन। वो आपको उसकी ग्रोथ के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए वो केमिकल चेन रिएक्शन बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसको फायर टेट्राहेड्रन किया कहा जाता है। ट्रायंगल ऑफ फायर एंड फायर टेट्राहेड्रन के बाद अब हम देखेंगे आग बुझाने के तरीके, आग बुझाते कैसे हैं। आपको पता है फायर को लगने के लिए तीन चीजें चाहिए और उसको सस्टेन करने के लिए फायर टेट्राहेड्रॉन केमिकल चेन रिएक्शन चाहिए। अगर आप इन चारों में से जो एलिमेंट आप इमेज में देख रहे हो, इसमें से किसी को भी आप एलिमिनेट कर देंगे, वो अलग अलग मेथड से आप कर सकते हैं किसी को भी। अगर आप चारों में से किसी को भी एलिमिनेट कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। अभी हम देखते हैं सबसे पहले हीट रिमूवल के लिए। हीट जहां पे अवेलेबल है, अगर हम हीट को वहां से हटा देंगे तो आग आगे नहीं बढ़ पाएगी, आग बुझ जाएगी। तो उसी के लिए हम उसको कूलिंग करेंगे, उसके लिए कूलिंग के लिए हम पानी का यूज कर सकते हैं। फिर रिमूवल ऑफ फ्यूल है। अब फ्यूल फॉर एग्जांपल
क्लासरूम में आग लगी हुई है, जिन कुर्सियों में आग लगी हुई है उनसे अगर हम बाकी कुर्सियों को अलग कर देंगे तो रिमूवल ऑफ फ्यूल हो जाएगा, वो जो उसको आग को जलने के लिए जो फ्यूल चाहिए है वो पीछे हो जाएगा। आपने घरों में देखा हुआ, अब तो चूल्हे नहीं है, पिछले जमाने में आपने देखा हुआ जब बचपन में माँ खाना बनाती थी तो चूल्हे से लकड़ियां बाहर निकाल देती थी, तो वो रिमूवल ऑफ फ्यूल है। उसने लकड़ियां बाहर निकाल दी, वो आग के एरिया से बाहर आ गई तो आग अपने आप बुझ जाती थी, उसको बुझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो रिमूवल ऑफ फ्यूल में आता है। अब है ऑक्सीजन, अगर हम एटमोसफेयर से जो फायर है उसका कनेक्शन अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें किसी भी तरीके से तो वहाँ पे आग बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम फायर ब्लैंकेट अप्लाई कर सकते हैं फायर सीन पे, या हम जो फोम अप्लाई कर सकते हैं फायर फाइटिंग के दौरान, फोम बिछा देते हैं उसके ऊपर, तो उसमें एक लेयर बन जाती है फ्यूल के और एटमोसफेयर के बीच में, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती और आग वो बुझ जाती है। एक और तरीका है इसका आग बुझाने का, वो केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक कर दें। उसको ब्रेक करने के लिए जो भी वहाँ पे हम ये पाउडर अप्लाई करते हैं, एबीसी पाउडर है या दूसरे टीईसी है और भी कई पाउडर्स आते हैं, तो केमिकल चेन रिएक्शन जो उसमें कंटिन्यू उसमें हो रहा है फायर के एरिया में, हम उसको अगर ब्रेक कर दें तो भी आग बुझ जाएगी। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट एक वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे कोई भी फ्यूल फ्लेमेबल वेपर्स छोड़ना शुरू कर देता है। वो वेपर्स ऐसे होते हैं बिल्कुल जैसे स्टार्ट किया आपने तो वो अपने आप एक बार फ्लैश हो गए वो आग बुझ जाएगी, वो सेल्फ सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो चलिए इसमें एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं। ये मैंने केरोसिन का फ्लैश पॉइंट लिया है, चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ, इसमें देखते हैं कैसे होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें 35 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको हीट सोर्स दिया, डायरेक्ट फ्लेम दी उस पर, लेकिन वो अभी आग नहीं पकड़ पा रहा है। केरोसिन है गर्म हो रहा है, 35 डिग्री तक गर्म हुआ अभी, लेकिन ये अभी इसने हीट वो आग नहीं पकड़ी। 62 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो हमने देखा जब हमने इस पर फ्लेम टोर्च लगाई तो एक बार आपने उसके आसपास वेपर्स आपने देख रहे हो, जो फ्लेम उसकी जो सोर्स उसके अलावा भी वहां पे फ्लेम फैल रही है 62 डिग्री पे। ये देखिए आपने जो ब्लू कलर की जो फ्लेम्स है ये इसके वेपर्स हैं जो इसने केरोसिन रिलीज करना शुरू कर दिया है इस पे, ये 62 डिग्री इसका फ्लैश पॉइंट माना जाएगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 65 डिग्री पे टेम्परेचर जाने के बाद दोबारा हमने इसको फ्लेम सोर्स दिया तो इसके जो वेपर्स थे वो इतने हो गए थे, जो हीट सोर्स हमने रिमूव भी कर लिया तो भी आग इसकी कंटिन्यू हुई। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक्सटर्नल सोर्स के बिना उसके इतने वेपर्स हों तो वो आग सस्टेन कर ले, ये है केरोसिन का फायर पॉइंट। ऑटो इग्निशन, ऑटो इग्निशन किसी भी फ्यूल का वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो स्वतः ही विदाउट एक्सटर्नल हीट सोर्स के, विदाउट पायलट इग्निशन के वो अपना आग पकड़ लेता है। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट में देखें, एक लोहे की प्लेट को हमने इसमें गर्म किया टॉर्च से और उस पे हमने थोड़ा सा केरोसिन ऑयल अप्लाई करेंगे। अभी जैसे लाल हो गई पूरी हमारी जो शीट है लोहे की, इस पे हम केरोसिन डाल दिया तो आप देख रहे हैं इसको जो वेपर्स जो इसका टेम्परेचर हो इतना गर्म हो गया, ये नीचे से जो सेल्फ इसका ऑटो इग्निशन है वो इसका टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर पहुंचते हैं, आप देखें चटक के अपने आप आग लग गई। तो ये केरोसिन का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो 220 डिग्री सेल्सियस है। अब देख पा रहे हैं इसके वेपर्स ना बिल्कुल जब गर्म हो रहे हैं तो वेपर छोड़ रहे हैं, तुरंत इसने आग पकड़ ली, तो ये इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हुआ। पैरोलाइसिस, ये टर्म्स फायर की लाइन में है, जब आप इंजीनियरिंग के पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आएंगे। तो ये टर्म्स क्या है, पैरोलाइसिस क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इसका टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। आपको जैसे पता है कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड स्टेज में नहीं जलती है, तो जब किसी फ्यूल को हीट किया जाता है तो वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से वो वेपर स्टेज में कन्वर्ट होता है। जब वो वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है तभी उसमें आग लग पाती है। तो जो इसका जो स्टेज चेंज करने की बात है, जो पैरालिसिस, इसी को पैरालिसिस बोलते हैं, जब वो स्टेज चेंज करके अपना
फ्लेमेबल वेपर छोड़ता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर स्टेज में, इसी को पैरालिसिस बोलते हैं। चलिए इस टर्म मोमबत्ती एग्जांपल से समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब देख पा रहे हैं मोमबत्ती जो फ्यूल है इसमें वैक्स फ्यूल की तरह हो रहा है, जब हम इसको इग्नाइट करेंगे तो इसके जो सॉलिड स्टेज से वेपर स्टेज में जाने के लिए जो उसके हाइड्रोजन के और उसके एटम्स हैं ये डिफरेंटली बिहेव करेंगे और फायर जोन में वेपर स्टेज में कन्वर्ट होकर फायर जोन में चले जाएंगे, इसी को हम पायरोलाइसिस बोलते हैं। जो सॉलिड स्टेट था सॉलिड स्टेट से पहले लिक्विड में मोम पिघलता है, फिर मोम पिघलने के बाद वो वेपर के फॉर्म में जाता है, तो इसी को हम पायरोलाइसिस बोलते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने एक मोमबत्ती को फूक मार के बुझा दिया और जैसे इसके ऊपर हमने दोबारा से पायलट टॉर्च ले गए तो ऊपर से आग नीचे तक आ गई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये जो मोमबत्ती है ये अभी तक फ्लेमेबल वेपर्स छोड़ रही थी जो हवा में थे, जैसे ही हवा में उसको पायलट टॉर्च मिली वो आग वापस नीचे उसने पकड़ ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कम इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।